प्रियदर्शन जी ने बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1992 में मूवी मुस्कुराहट से की। इस मूवी के लीड कास्ट में रेवती, जय मेहता, अमरीश पुरी, जगदीप और अनु कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। अगले साल 1993 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई गर्दिश। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, ऐश्वर्या राय, फरीदा जलाल और डिंपल कवाडिया शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,50,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1997 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई विरासत। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, अमरीश पुरी, तब्बू, पूजा बत्रा और मिलिंद गुनाजी शामिल थे। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 12 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 21 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। अगले साल 1998 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई सात रंग के सपने। इस मूवी के लीड कास्ट में जूही चावला, अरविंद स्वामी, अनुपम खेर और फरीदा जलाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1998 में इनकी अगली मूवी आई कभी ना कभी। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और पूजा भट्ट शामिल थे। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1998 में ही इनकी अगली मूवी आई डोली सजा के रखना। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय खन्ना, ज्योतिका, अनुपम खेर और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2000 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई हेरा फेरी। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और तब्बू शामिल थे। इस मूवी का बजट 7 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 22 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 2001 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई ये तेरा घर ये मेरा घर। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 7 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2003 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई हंगामा। इस मूवी के लीड कास्ट में परेश रावल, आफताब शिवदसानी, अक्षय खन्ना और रिमी सेन शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 21 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। अगले साल 2004 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई हलचल। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय खन्ना, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, अरबाज खान और अरशद वारसी शामिल थे। इस मूवी का बजट 10 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 21 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 33 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2005 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई गरम मसाला। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, परेश रावल, रिमी सेन और नेहा धूपिया शामिल थे। इस मूवी का बजट 17 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 29 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 55 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2005 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई क्योंकि। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, करीना कपूर, रिमी सेन, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी शामिल थे। इस मूवी का बजट 21 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने
24 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। अगले साल 2006 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई भागम भाग। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ और अरबाज खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 32 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 41 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 68 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। इसी साल इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई मालामाल वीकली। इस मूवी के लीड कास्ट में रितेश देशमुख, ओम पुरी, परेश रावल और रिमी सेन शामिल थे। इस मूवी का बजट 7 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 26 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 42 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2006 में ही इनकी अगली मूवी आई चुप चुप के। इस मूवी के लीड कास्ट में करीना कपूर, शाहिद कपूर, सुनील शेट्टी, परेश रावल और राजपाल यादव शामिल थे। इस मूवी का बजट 12 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 14 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 26 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। अगले साल 2007 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई ढोल। इस मूवी के लीड कास्ट में शर्मन जोशी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, राजपाल यादव, ओम पुरी और तनुश्री दत्ता शामिल थे। इस मूवी का बजट 14 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 16 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 23 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2007 में ही इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई भूल भुलैया। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, अमीषा पटेल, विद्या बालन, परेश रावल और शाइनी आहूजा शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 52 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 84 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2008 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई मेरे बाप पहले आप। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय खन्ना, परेश रावल, ओम पुरी, राजपाल यादव और जेनेलिया डिसूजा शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 23 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 36 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 2009 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई बिल्लू बार्बर। इस मूवी के लीड कास्ट में इरफान खान, लारा दत्ता, ओम पुरी, राजपाल यादव और शाहरुख खान शामिल थे। इस मूवी में शाहरुख खान ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस मूवी का बजट 23 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 23 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 47 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2009 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई दे दना दन। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ, परेश रावल, समीरा रेड्डी और जॉनी लीवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 48 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 82 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2010 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई खट्टा मीठा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, कृष्णा कृष्णन, उर्वशी शर्मा और राजपाल यादव शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 38 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 63 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 2010 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई बम बम बोले। इस मूवी के लीड कास्ट में दर्शील सफारी और अतुल कुलकर्णी शामिल थे। इस मूवी का बजट 7 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 97 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2010 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई आक्रोश। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, अक्षय खन्ना, विपाशा बसु, परेश रावल और रिमी सेन शामिल थे। इस मूवी का बजट 38 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 20 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2012 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई तेज। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, अजय देवगन,
जायद खान, बोमन ईरानी, कंगना रनौत और समीरा रेड्डी शामिल थे। इस मूवी का बजट 52 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 16 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 26 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2012 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई कमाल धमाल मालामाल। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, परेश रावल, ओम पुरी, श्रेयस तलपड़े, असरानी और मधुरमा शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2013 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई रंगरेज। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी भगनानी, प्रिया आनंद, विजय वर्मा, राजपाल यादव और अमितोष नागपाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 23 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2021 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई हंगामा 2। इस मूवी के लीड कास्ट में शिल्पा शेट्टी, परेश रावल, आशुतोष राणा, राजपाल यादव और टीकू तलसानिया शामिल थे। ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई थी। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको प्रियदर्शन द्वारा डायरेक्ट की गई सभी मूवीज के बारे में बता दिया। प्रियदर्शन की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।